और भारत ने समंदर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। सी विजिल के तहत ये सबसे बड़ी नेवी ड्रिल की गई। ये हिंदुस्तान के समंदर वाले शेर हैं, ये भारत के जल प्रहरी हैं, ये देश की आन बान शान है। गहरे नीले समंदर में रहकर सरहद की रक्षा किस तरह करती हैं, इन्हें बखूबी आता है। हर दूसरे साल होने वाले समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के तहत देश के शूरवीरों ने एक्सरसाइज की। इस अभ्यास में देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मत्स्य पालन करने वाले और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले समुदाय भी शामिल रहे। करीब 7,500 किलोमीटर वाले तटवर्ती और एक्सक्लूसिव आर्थिक क्षेत्र के दायरे में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। बड़े भौगोलिक इलाके और अभ्यास में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए इसका दायरा काफी बड़ा रहा। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के थिएटर लेवल अभ्यास ट्रॉपिक्स की दिशा में उठाया गया कदम है, जो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। सी विजिल और ट्रॉपिक्स अभ्यास मिलकर समुद्री इलाकों की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, कस्टम और दूसरी समुद्री एजेंसियों ने सी विजिल के एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें सीधे दुश्मन को चुनौती है कि अगर इधर आंख उठाकर भी देखा तो नेस्त नाबूद हो जाओगे। और हिंदुस्तान अब आसमान में और भी ताकतवर होने वाला है। भारत ने 83 नए तेजस फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। हिंदुस्तान की वायु शक्ति अब और भी ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि देश ने वायुसेना को किसी भी मुल्क के एयरफोर्स से ज्यादा ताकतवर बनाने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार ने 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी है। इनमें 73 तेजस मार्क 1A और 10 मार्क 8 ट्रेनर तेजस विमान शामिल हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में फैसला लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह डील देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब तेजस की ताकत भी देख लीजिए, 60% स्वदेशी उपकरण और तकनीक से लैस, स्पीड 1.6 Mach यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, रफ्तार आवाज से 1.5 गुना ज्यादा, 50,000 फीट की ऊंचाई पर 2300 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। दुनिया में सबसे हल्का फाइटर जेट, 6,560 किलो वजन, हवा से हवा और हवा से जमीन पर प्रहार कर सकता है। लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस है। तेजस इजरायली रडार से भी लैस है। एंटीशिप मिसाइल भी इसमें लगाई जा सकती है। यानी देश की वायु शक्ति अब और भी सशक्त होने जा रही है।